नमस्कार, रिपब्लिक भारत के कुछ नया स्टूडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में मेरे साथ अनामिका और प्रियंका भी मौजूद हैं, जो आप तक तमाम जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज सुबह सुबह खबर सामने आई कि गोविंदा को गोली लगी है। अब इसी पर गोविंदा के मैनेजर का बयान सामने आया है और उन्होंने जानकारी दी है कि रिवॉल्वर जमीन के पर गिरने की वजह से ये गोली लगी है। तो हादसे को लेकर गोविंदा के मैनेजर ने ये बयान दिया है और ये जानकारी दी गई है कि जमीन पर रिवॉल्वर गिरने की वजह से यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि गोविंदा के हाथ से गिरने की वजह से फायर हुआ, ये मैनेजर ने बयान दिया है। जमीन पर रिवॉल्वर गिरने से फायर हुआ, पैर में गोली लगी, डॉक्टर ने गोली को निकाल दिया है, अस्पताल में भर्ती हैं गोविंदा और उनकी हालत अभी ठीक है। कोलकाता जाने की तैयारी आज सुबह सुबह गोविंदा कर रहे थे, इसी दौरान वो रिवॉल्वर साफ करते हैं, लेकिन खबर ये आती है कि उसी रिवॉल्वर से उनके पैर में गोली लग जाती है। हालांकि मैनेजर की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि अभी उनकी स्थिति ठीक है, अस्पताल में भर्ती हैं, वहां इनका इलाज चल रहा है। तो आज जब ये खबर सामने आई तो गोविंदा के फैंस को एक बड़ा झटका लगा। हालांकि राहत की खबर ये है कि वो खतरे से बाहर हैं। गोविंदा के हाथ से रिवॉल्वर जमीन पर गिरा और उसके बाद उनके पैर में गोली लग जाती है, ये जानकारी मैनेजर की तरफ से अभी कुछ देर पहले दी गई है। बताया ये गया कि जमीन पर रिवॉल्वर गिरने से फायर हुआ। और मुंबई का रुख करते हैं, सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, क्या और अपडेट मिल पा रहा है, अभी गोविंदा की स्थिति कैसी है? परिवार का कोई व्यक्ति बात करने के लिए मीडिया से या कोई जानकारी देने के लिए आया सामने? देखिए, गोविंदा की स्थिति सामान्य है, नॉर्मल है, जो बताया गया है डॉक्टर की तरफ से, क्योंकि 4:30 बजे आज सुबह उनके पैर में, दाहिने पैर में गोली लगी थी। वो जा रहे थे कहीं मुंबई से बाहर कोलकाता जाने वाले थे, उस समय वो अपनी पिस्टल लेके रख रहे थे, उसी समय हाथ से छूटा और फायर हो गया, जिसके बाद दाहिने पैर में उनके गोली लगी। फिलहाल उनको तुरंत ही नजदीकी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल वहां पे एडमिट कराया गया, जहां पर डॉक्टर ने गोलियां निकाली है। गोलियां निकालने के बाद गोविंदा की स्थिति एकदम सामान्य है। परिवार वालों को जो सामने आया बात है कि उनका तरफ से कहना है कि सुबह जा रहे थे, इसी समय हाथ से पिस्टल छूटा और जिसके बाद दाहिने पैर में उनको गोली लगी है। फिलहाल गोली को निकाल लिया गया है, डॉक्टर का कहना है कि वो उनकी स्थिति सामान्य है। फिलहाल वो हॉस्पिटल में जो जानकारी मिल रहा है 1 या 2-3 दिन रहेंगे, इसके बाद जब नॉर्मल हो जाएंगे तब जाके वो हॉस्पिटल से जाएंगे। फिलहाल डॉक्टर की तरफ से कहा जा रहा है कि 2-3 दिन उनको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, क्योंकि केयर करना पड़ेगा, इसके बाद ही वो घर जा सकते हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर की तरफ से क्या कोई बयान सामने आया है, उनकी तरफ से क्या बताया गया है कि कब तक उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा? देखिए, अभी ऑफिशियल नहीं आया, लेकिन जो हमारे सूत्रों से बात हुई है डॉक्टर से, उनका कहना है कि जो दाहिने पैर में गोली लगी और घाव हो गया है और गोली को निकाल लिया गया, फिलहाल उनको 2 या 3 दिन उनको हॉस्पिटल रहना पड़ेगा। उनके पैर में अभी भी चलने में दिक्कत है, वो अभी चल नहीं सकते, कम से कम 2 या 3 दिन उनको रखना पड़ेगा। जब उनके पैर की स्थिति ठीक हो जाएगी तब जाके उनको अस्पताल छोड़ा जाएगा। फिलहाल क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, गोली निकाल लिया गया है और गोविंदा की जो स्थिति है सामान्य है। जी सत्यप्रकाश बता रहे हैं, गोविंदा की स्थिति सामान्य है, पैर में गोली लगी है, उस गोली को निकाल लिया गया है, लेकिन 2-3 दिन तक वो अस्पताल में ही रहेंगे। क्या मुलाकात करने दी जा रही है सत्यप्रकाश? उनके परिवार के लोग तो वहां पर होंगे ही, लेकिन इसके अलावा उनके जानने वाले या और लोग जो उनको देखने आना चाहते हैं, जिनको पता चला अचानक से कि ऐसा हुआ है, तो क्या उनको हॉस्पिटल के भीतर जाने दिया जा रहा है, मिल पा रहे हैं वो उनसे? देखिए, आज सुबह 4:30 बजे घटना है लगभग, उस समय ये गोली लगी है, उसके बाद उनको घर से जो नजदीकी हॉस्पिटल क्रिटिकल केयर वहां पे ले जाया गया, जहां पर उनको लगभग जो बताया जा रहा है कि 6:15 बजे की गोली निकाली गई। फिलहाल अभी किसी को नहीं मिलने दिया जाएगा, परिवार के लोग मौजूद हैं और परिवार के अलावा किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। जो गोली लगी थी उसको निकाल लिया गया, डॉक्टर साहब से कहा जा रहा है कि 2 या 3 दिन उनको रखना पड़ेगा, जब तक पैर ठीक नहीं हो जाते तब तक गोविंदा को हॉस्पिटल से छोड़ा नहीं जाएगा। मुंबई से कोलकाता जाने वाले से जो जानकारी मिल रही है कि कोलकाता जाने वाले थे, उस समय वो अपनी पिस्टल रख रहे थे, उसी समय हाथ से छूटा और मिसफायर हो गया, जिसके बाद दाहिने पैर में गोली लगी। फिलहाल जो है गोविंदा की स्थिति सामान्य है, नॉर्मल है, और जो गोविंदा के परिवार वाले हैं वो हॉस्पिटल में है। जी बिल्कुल, लेकिन सत्यप्रकाश देखिए, जब ये खबर सामने आई तो जो चाहने वाले हैं गोविंदा के, वो काफ़ी शॉक्ड हो गए थे। हालांकि जिस तरीके से अब जानकारी सामने आई है कि वो उनकी हालत अभी बेहतर है, पहले से अच्छा फील वो भी कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या कुछ जानकारी उनके परिवार की तरफ से दी गई है, क्या वो बातचीत कर पा रहे हैं लोगों से?
जी हाँ, गोविंदा जो परिवार वाले हैं और जो डॉक्टर से कहना है कि जो गोविंदा की स्थिति हो नॉर्मल हो, बातचीत कर रहे हैं। दाहिने पैर में गोली लगी थी, 4:30 बजे घटना है, उसके पास में ही हॉस्पिटल है क्रिटिकल केयर, और वहां जब एडमिट कराया गया गोली को भी निकाल लिया गया। वो बातचीत कर रहे हैं, सामान्य है, परिवार के लोग वहाँ मौजूद है, लेकिन फिलहाल जो बाहर के लोग आ रहे हैं मिलने के लिए उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। जब तक गोविंदा की स्थिति ठीक नहीं हो जाती है तब तक किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आज सुबह 4:30 बजे घटना है तो उसके बाद गोली निकाली गई और अभी भी उनका इलाज चल रहा है, उनका पैर का इलाज चल रहा है। तो अभी फिलहाल परिवार के अलावा किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। सत्यप्रकाश वापस लौटेंगे आपके पास। बॉलीवुड कलाकार भाग्यश्री जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भाग्यश्री जी, आप लोगों को जानकारी मिली होगी गोविंदा जी के बारे में कि गोली लग गई अचानक से उनके पैर में, आपकी क्या परिवार के लोगों से कोई बातचीत हो पाई है, कुछ पता चल पाया है उनके बारे में? मुझे एक्चुअली सिर्फ 5 मिनट पहले पता चला एंड आई एम एब्सोल्युटली शॉक्ड। मुझे पता भी नहीं था, ये मैं बम्बई में नहीं हूँ, बाहर हूँ, आई एम ट्रैवलिंग, तो मुझे अभी अभी पता चला और बस मैं बम्बई पहुंच के ही उनसे मिलने जाऊंगी। बिल्कुल भाग्यश्री जी, आप कब उनसे मुलाकात करने के लिए जाएंगी? क्योंकि देखिए, आप दोनों ने इंडस्ट्री में काम किया है, एक अच्छा अनुभव आप दोनों का भी रहा है, तो जब ये खबर आपने सुनी उस समय आपको कैसा लगा? और साथ ही साथ ये भी बताइए कि जब मुलाकात करने जाएंगी आप कितने बजे पहुंचेंगी उनसे मिलने के लिए? अब वो तो कह नहीं सकते, मैं सुनीता से बात करके फिर उनसे मिलने जाऊंगी। ये समझ सकती हूँ कि अभी परिवार भी शॉक में है और वो चाहेंगे कि गोविंदा जी को पूरी तरह से रेस्ट मिले, आराम मिले, तो बस उनको पूछ के फिर ही जाना पड़ेगा। मैम, फैमिली से अभी कोई बात हो पाई है क्या आपकी? आई नो कि आप भी बाहर हैं इस वक्त, बहुत ज्यादा नहीं बता पाएंगे उनके बारे में। जैसे मैंने कहा कि बस 5 ही मिनट पहले मुझे ये पता चला। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। भाग्यश्री अभिनेत्री बॉलीवुड कलाकार हमारे साथ जुड़ी थी, वो कह रही है 5 मिनट पहले उनको पता चला है और वो परिवार से बातचीत करेंगी। मुंबई से बाहर हैं लेकिन जैसे ही वापस आएंगी तो परिवार से मिलने के लिए जरूर जाएंगी, लेकिन अचानक से जब ये घटना हुई, जैसे ही उनके फैंस को या उनके जानने वालों को ये पता चला तो कोई समझ नहीं पा रहा था कि उस वक्त अचानक से हुआ क्या है, क्योंकि जब शुरुआती दौर में ये खबर आई थी तो सिर्फ गोली लगने की जानकारी मिली थी, क्यों लगी गोली, किस वजह से लगी तब नहीं पता चल पाया था। तो उस वक्त उनके जानने वाले, उनके फैंस में भी एक अफरा तफरी, एक डर का माहौल था, लेकिन अभी यह जानकारी मिल रही है पुनीता कि मिसफायर था। बिल्कुल, और सत्यप्रकाश, जब ये खबर सामने आई फैंस तो शॉक्ड हैं ही, तो क्या फिल्म इंडस्ट्री से भी किसी की प्रतिक्रिया सामने आई है? भाग्यश्री से अभी हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि 5 मिनट पहले अभी इस खबर की जानकारी लगी है और मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। क्या फिल्म इंडस्ट्री से कोई अस्पताल गोविंदा से मुलाकात करने के लिए पहुंचा है या फिर कोई पहुंचेगा? देखिए, जब खबर आई कि गोविंदा को गोली लगी उस समय लोग शॉक हो गए, क्योंकि जिस तरह से खबरें गोली लगने की आई उसके बाद कहीं कहीं, लेकिन जब जानकारी सामने आई कि जो गोविंदा है खुद उनके हाथ से ही गोली लगी है, मिसफायर हुआ है, क्योंकि वो यहाँ से मुंबई से निकल रहे थे, जा रहे थे कोलकाता, जो जानकारी मिल रही है 4:30 बजे, वैसे ही जो जानकारी लोगों को मिली उसके बाद लोग एक दूसरे से हालचाल ले रहे हैं। जो परिवार वाले हैं, परिवार वालों से लगातार संपर्क किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल किसी को हॉस्पिटल अभी आने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि अभी सुबह 4:30 बजे गोली लगी है, उसके बाद गोली को निकाला गया है, पैर की स्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि अभी उन जो लोग आने वाले हैं मिलने उनसे दूर रखा जाए, फिलहाल परिवार के वालों के अलावा कोई हॉस्पिटल में नहीं है, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है लोग जानकारियां ले रहे हैं परिवार वालों से, फिलहाल अभी यूनिवर्सिटी का कोई नहीं गया है, लेकिन जो परिवार वाले हैं वो हॉस्पिटल मौजूद है। वही बात किया जाए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जानकारी लिया गया है कि आखिर गोविंदा कैसे लगी गोली, जैसे जानकारी मिली इसके बाद सारी जानकारी लिया गया। फिलहाल गोविंदा की स्थिति सामान्य है, जो गोविंदा के परिवार वाले हैं वो हॉस्पिटल में है और डॉक्टर कहना है कि गोविंदा 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में रहेंगे जब तक उनका पैर ठीक नहीं हो जाता। जी ठीक है, सत्यप्रकाश वापस लौट रहे आपके पास। पूरी घटना एक बार फिर से बता दे, गोविंदा बॉलीवुड कलाकार, फेमस कलाकार हैं, अपने कलाकारी यानी कि अपने एक्टिंग से लेकर अपने डांस स्किल के लिए जाने जाते हैं और एक बहुत बड़ा फैन बेस है उनका, जो उनके डांस की वजह से, उनकी एक्टिंग की वजह से उन्हें फॉलो करते हैं। और जब उनको ये पता चला कि आज सुबह 4:30 बजे गोविंदा को अचानक से गोली लगी है तो कोई कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन धीरे धीरे स्थिति साफ हुई। उनके मैनेजर ने खुद ये बयान दिया है कि गोविंदा की रिवॉल्वर से ही उनको गोली लगी, रिवॉल्वर साफ करते वक्त अचानक से नीचे गिर गई और उनके पैर में गोली लग गई है। हालांकि गोली को पैर से निकाल दिया गया है, लेकिन अभी 2-3 दिन अस्पताल में ही गोविंदा रहेंगे, स्थिति खतरे से बाहर
बीमार बताई जा रही है। परिवार के लोग भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे अचानक से यह हादसा होने के बाद, तो वो भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन जब डॉक्टर्स ने बता दिया कि गोविंदा फिलहाल खतरे से बाहर है, उनकी स्थिति पहले से बेहतर है, तो अब वो मीडिया में भी इस बात की जानकारी दे दी गई है मैनेजर के थ्रू कि वो खतरे से बाहर है, वो बेहतर है, लेकिन अभी 2 से 3 दिन अस्पताल में ही रहेंगे। अचानक से उनकी ही रिवॉल्वर से यह मिस फायर हुआ। और गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि जी, अभी क्या जानकारी है, पहले तो ये बताइए स्थिति अभी गोविंदा की कैसी बनी हुई है? एकदम बढ़िया है, कहीं घबराने की बात कुछ भी नहीं है। वो कवर्ड, हम लोग एयरपोर्ट जा रहे थे, कलकत्ता शो था हमारा, मैं पहले पहुंच गया था, गोविंदा जी पीछे से आ रहे थे, इन बीटों ने सामान वन अपना ठीक से कवर्ड में रख रहे थे निकलने के लिए, रिवॉल्वर भी रख रहे थे कि बंद करके निकले, इन बीटों ने स्लिप करके नीचे गिरा और नीचे गिरी के वो मिस फायर हो गया और पैर में नीचे लगा और वो गोली थोड़ी सी लगी हुई थी उसमें अपना पैर के अंदर, तो उसको निकाल लिया गया है। नाउ एवरीथिंग इज ओके, तो एकदम ठीक है और एकदम बातचीत भी कर रहे हैं, कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। शशि जी, किस वक्त एक दो दिन में हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल जाएगी? अच्छा, आप किस वक्त ये घटना हुई थी, कब आप लोग एयरपोर्ट निकलने की तैयारी कर रहे थे, बताया जा रहा है? बिल्कुल सुबह सुबह 4:45 से पहले की है, क्योंकि हमारी 6 बजे की फ्लाइट थी। हाँ। और निकल के एयरपोर्ट पहुंचने वाले थे, तो 4:30 के बीच की ये बात है। क्या कोई मुलाकात करने के लिए उनसे जा सकता है अभी, जो उनके जानने वाले या नहीं? नहीं, सॉरी, अभी ऑब्जर्वेशन में है, क्योंकि मेडिसिन चल रहे हैं, एंटीबायोटिक चल रहे होंगे ना, जख्म है, निकाला है गोली, तो ऑपरेट किया है ना उसको। लेकिन क्या गोविंदा जी, जब ये खबर सामने आई थी तो देखिए जो उनके चाहने वाले थे वो काफी शॉक्ड हो गए थे, हैरान थे, लेकिन क्या फिल्म इंडस्ट्री से अभी तक किसी का फोन आया है गोविंदा से बातचीत करने के लिए? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया शशि। हमारे साथ मैनेजर जुड़े थे गोविंदा के, जो ये बता रहे थे कि अभी खतरे से बाहर हैं गोविंदा।